नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। आज के अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर का हत्याकांड भी कहा जाता है, एक ऐसी घटना थी जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस दिन ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के पंजाब क्षेत्र, अब का पंजाब राज्य में अमृतसर में जालियांवाला बाग नामक एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी। यह घटना भारत के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटेन से स्वतंत्रता के कारण गांधी की प्रतिबद्धता का नेतृत्व किया। भारत की इस वर्ष इस घटना का 104वां वर्ष मना रही है, जिसे सैकड़ों सैनिकों की जान ले ली थी। अगले अपडेट की ओर, अपडेट है विज्ञान के बारे में। MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी हुई चालू। नॉर्वेजियन व्यवसाय नॉरलेड द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी अब चालू है। नॉरलेड के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी एरलैंड हॉलैंड ने कहा, बहुत सारे विकास और परीक्षण के बाद हम अब जिले में लैंड और नेस्विक के बीच शून्य उत्सर्जन यात्रा के लिए बोर्ड पर यात्रियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। 82.4 मीटर लंबी MF हाइड्रा, जिसने 2021 से वितरित किया गया था, तो यात्री और 80 वाहनों को ले जा सकता है। यह अपने 200 किलोवाट ईंधन सेल, 440 किलोवाट जनरेट और 2 शॉर्टलेट थ्रस्टर की बदौलत 9 समुद्री मील की गति से यात्रा करने में सक्षम होगा। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन RLV-LEX लॉन्च हुआ। इसरो और उसके सहयोगियों ने एरोनॉटिकल स्टेस रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए एक सटीक लैंडिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन परीक्षणों में से दूसरा था, जो RLV या अंतरिक्ष विमान शटल को विकसित करने के इसरो के प्रयासों का एक हिस्सा है, जो पेलोड देने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षाओं की यात्रा कर सकते हैं और फिर से उपयोग के लिए पृथ्वी पर लौट सकते हैं। इसरो के अनुसार भविष्य में इस यान को भारत के रियूजेबल तेज ऑर्बिटल लॉन्च वाहन का पहला चरण बनने के लिए बढ़ाया जाएगा। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने युवा प्रशिक्षण रोजगार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 31,067 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 19 कैप्टिव नियुक्ताओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय इन नियुक्तियों को 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए प्रतिमाह ₹10,000 के न्यूनतम वेतन के साथ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने और लाभकारी रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य प्रदान करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगली अपडेट विज्ञान के बारे में। पृथ्वी के सबसे निकट ब्लैक होल की खोज किया गया। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की एक जोड़ी का पता लगाया है, जो पृथ्वी के बेहद करीब है। ब्लैक होल पृथ्वी के ब्रह्मांडीय गलियारों में स्थित है, जिससे एक आज तक खोजा गया पृथ्वी के सबसे करीब है। और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन के डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के कई ग्राउंड आधारित दूरबीनों की सहायता से 2 ब्लैक होल खोज के। ESA ने कहा कि 2 ब्लैक होल को गाइगा BH1 और गाइगा BH2 कहा जा रहा है और अब तक पाए गए किसी भी ब्लैक होल के पृथ्वी के सबसे करीब है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है विज्ञान के बारे में। नासा ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की। 5 दशकों में पहले चालक दल के चंद्रमा मिशन का नेतृत्व करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का हाल ही में खुलासा किया गया था, जो नवंबर 2024 में उड़ान भरने के लिए तैयार ऐतिहासिक आर्टेमिस द्वितीय चंद्र फ्लाईबाय के लिए प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार थे। अंतरिक्ष यात्री नासा के रीड वाइसमैन विक्टर ग्लोवर और कृष्णा कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरेमी हेंडसेन हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो आर्टेमिस 2 नवंबर 2024 के आसपास उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान के अंदर चालक दल के सदस्य फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा द्वारा विकसित स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट पर लॉन्च करेंगे। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। ChatGPT के बाद इटली लाएगा अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध। इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की राजनीतिक पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने आधिकारिक संचार में विदेशी भाषाओं, विदेश रूप से अंग्रेजी का उपयोग करने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थानों पर ₹3,00,000 तक का जुर्माना लगाकर इतालवी भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से एक मसौदा विधेयक का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव उन चिंताओं के बीच आया है कि इटली में विदेशी भाषाओं का बढ़ता उपयोग देश की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करता है और इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान
नुकसान पहुंचाता है। मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि सभी सार्वजनिक और निजी निकाय अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इतालवी का उपयोग करेंगे। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। शीनू झावर बनी TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष। TIE राजस्थान ने डॉक्टर शीनू झावर को 2 साल के कार्यकाल यानी 2023-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष घोषित किया। TIE राजस्थान के 21 साल के इतिहास में यह जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला है। डॉक्टर झावर ने डॉक्टर रवि मोदानी से कार्यभार संभाला जो 2021 से सफलतापूर्वक इसका नेतृत्व कर रहे थे। द्विवार्षिक नेतृत्व संक्रमण समारोह के दौरान डॉक्टर झावर ने बताया कि भारत में दुनिया के यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है और भारत के भीतर स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट के अनुसार जयपुर पहले Tier 2 शहर के रूप में कुल मिलाकर 7वें स्थान पर है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। OPEC के सदस्यों ने अगले महीने से तेल उत्पादनों में 1 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक की कटौती की घोषणा की। एक आश्चर्यजनक कदम से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत और अल्जीरिया सहित ओपन सदस्यों ने मई से वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से अधिक स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है। उन्होंने इसे तेल बाजार की स्थिरता का समर्थन करने के उद्देश्य से एक एहतियाती उपाय के रूप में वर्णित किया है। 23 तेल उत्पादक देशों के समूह जिनसे पिछले साल अपने सामूहिक उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कटौती की थी उनको अपनी आगामी वर्चुअल बैठक में सहमत उत्पादन स्तरों पर टिके रहने की उम्मीद है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। UPI ने मार्च में 8.7 बिलियन लेन देन की प्रक्रिया की जो स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने मार्च 2023 में 8.7 बिलियन लेन देन कर अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। UPI ने इस साल जनवरी में पहली बार 8 बिलियन लेन देन का आंकड़ा छुआ। कम दिनों के कारण फरवरी में लेन देन की संख्या में मामूली कमी देखी गई। 7.5 बिलियन वित्त वर्ष का अंत उच्च स्तर पर हुआ और रिकॉर्ड संख्या में लेन देन का मूल्य 14.5 ट्रिलियन रुपए का आंका गया। जनवरी में डिजिटल लेन देन का मूल्य 12.98 ट्रिलियन रुपये था जो फरवरी में घटकर 12.35 ट्रिलियन रुपए रह गया। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का क्विज का कार्यक्रम यही पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।